उसकी चमकीली भरती साड़ियां मेरे कवर में वापस आ गई, जो उसका मनोज फोटो मैंने फाड़ कर फेंका था, चिपका कर वापस से फोटो फ्रेम में सेट कर दिया। जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तो कभी डॉट कर नहीं आता। हर वक्त अबला नारी बेचारी बनकर आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। एंड आई हेट इट। अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि नहीं रहना चाहता उसके साथ, कोई डरपोक या कायर नहीं हूं। क्या फायदा हुआ उसे कुछ भी कहते? अब जाओ लो साथ, फेरे लो उस औरत के साथ जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। ये सब ना उस कार्तिक और लक्ष्मी का किया था। सोने ये सब ना उस कार्तिक और लक्ष्मी का किया था। मेरे काम में धक्का देने के अलावा ना और कोई काम नहीं हो। अम्मा को सबको साफ साफ बोलने का ना पूरा असर ही पड़ गया। अम्मा को सब कुछ साफ साफ बोलने का असर उल्टा ही। कैन यू बिलीव तुम्हारा मेरी शादी करा। ऐसे क्यों बैठे? अरे राज क्या कर रही हो तुम? चलो सम्या तुम वहां क्यों खड़ी हो? आदित्य मुझे लगा मैं थोड़ा वॉक करके देख लेती हूँ तुम्हें कितना परेशान करूंगी। तुम जाओ क्यों कर रही हो ये सब? मैं हूं ना यहाँ। चलो मैं लेकर चलता हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आराम से आदित्य थोड़ी लाइट कम कर निकल जा। और आदित्य के साथ भी निकल और आप तो जानते हैं आदित्य सब का ध्यान है मेरे साथ। आदित्य यहाँ मेरे घर तक सोमिया क्या कहना चाहती हूँ साफ साफ को यह कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? वो क्या है ना आदि मैंने आप लोगों की बातें सुनी वो आदि यहीं पे था ना मेरे साथ और फोन लगा करके वहाँ पर लोग तैयारियाँ कर रहे हैं लग सक रहे हैं और आदि यहाँ मेरे साथ है। आदि सब कुछ मिस कर रहे हैं उसे तो बहुत अच्छा है आप लोग सब के साथ इतना मजा आया तो इसीलिए कह रही थी मैं आपको कि मैंने कितनी बार कहा उससे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। मैंने उसे इतना तक कहा कि मेरी चोट नहीं मेरी मैं भी उसे आराम की जरूरत भी नहीं लेकिन फिर भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप आई और आप